एक स्टॉक पीवीआर देखिए जरा, 1553 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की मजबूती है इसमें। और बड़ी भारी एक रिपोर्ट आई, 2500 के टारगेट दिए हैं सीएलएसए ने। उनका मानना है कि इसकी जो स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और एक्सपेक्टेशन ये लगाई कि हर साल कम से कम 100 स्क्रीन कंपनी जोड़ेगी अगले कुछ सालों तक। तो बहुत मैसिव अपग्रेड है यहाँ पे। पीवीआर अच्छा लग रहा है आपको करेंट प्राइस पे क्या गौरव? ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, देखिए यहाँ पे अगर आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे और उसने जो हाई बनाए थे 2020 के जो हाईस थे वहां से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते तो फिलहाल उसके ब्रेकआउट के नीचे आ रहा है स्टॉक। एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम में सिलसिला बना चुका है, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एसेट नजर नहीं आ रहे। हाँ आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया तो यहाँ से एक 5-7% की अपसाइड आ जाए तो वो प्ले करना है तो एक बार आप सोच सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट यहाँ पे जब तक कोई रिवर्सल के बड़े संकेत नहीं आते हैं मैं यहाँ पे पोजिशन टारगेट्स के लिए तो मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा। ओके, सौरभ मलिक ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे, और इनके पास 300 शेयर हैं मन्नापुरम फाइनेंस के, 153 रुपये पे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्या इनको एवरेज कर लेना चाहिए? देखिए एवरेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसमें आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। अगर आप इसके वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो इसने एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनाया, और उसके जो अपने क्लाइंट्स को मैंने सुझाया था 95-96 के अराउंड, वहीं पे इसके अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो ऐड मुझे लगता है यहाँ पे ऐड सर्च करना चाहिए, बट इसमें बने आप रह सकते हैं जब तक वो सस्टेन होता है लेवल। एक बार अपसाइड आपको जो है 150 तक के लिए देखने मिल सकती है, वहां पे आप रिव्यू कीजिए। ओके, ये राय है इसमें। अच्छा, मनीषा रॉक ये इनका ट्विटर हैंडल है, और इन्होंने सवाल पूछा है कि इनके पास DLF के 63 शेयर हैं, 63, भाव है 379, एक साल का नज़रिया क्या होना चाहिए? देखिए होल्ड कीजिए, मुझे यहाँ से बड़ी गिरावट नजर फिलहाल नहीं आ रही है, और मैं ये कहूँगा कि आप इनफैक्ट थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, 2.5 साल का रखिए, क्योंकि अगर आप इसके मंथली चार्ट का DLF पर आप देखते हैं तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकआउट्स देखने मिले, अब वो रिटेस्ट के लेवल्स पे आ रहे हैं, वो लेवल्स 290 के आसपास के हैं, जब तक ये सस्टेन अगर होता है तो मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल भी आपकी पीक आउट हो जाएगी उसके बाद से जो तेजी आएगी स्टॉक जो है यहाँ से 30-40% आराम से आपको अपसाइड दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए, और एक साल नहीं 2 या 2.5 साल का व्यू रखिए तो आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके, दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है गौरव, एक कन्हैया ने पूछा है और एक तीर्था दास ने। कन्हैया ने यह पूछा है कि HDFC बैंक और SBI में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री का रेंज क्या है? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।